नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, ये जो हमारा सेशन है इसमें हम डेली आपके लिए करंट अफेयर्स लाते हैं। तो जो लोग एस्पिरेंट्स हैं, कोई भी तरीके का एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी, बैंक या फिर एसएससी हो, या फिर जो लोगों की हैबिट है वो डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और उनके पास इतना समय नहीं है कि वो पूरा न्यूज़पेपर पढ़ें, तो आपके लिए हम ये जो मुश्किल है उसको आसान कर दे रहे हैं। यानी कि हम आपके लिए पूरा जो न्यूज़पेपर है उसका निचोड़ लेकर आते हैं, खास खबरें लेकर आते हैं जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड है ही है, लेकिन जो कि अदरवाइज भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं, ये हम डेली बेसिस पर कर रहे हैं। तो आज की 7 सितंबर की जो न्यूज़ है, यानी कि जो करंट अपडेट है, वो हम आपके लिए सुबह सुबह डेली लेकर आएंगे। आज 7 सितंबर है, तो आज की न्यूज़ हम देख लेते हैं कि क्या न्यूज़ है आज की। चलिए पहले देख लेते हैं हम अपॉइंटमेंट कौन कौन सी हुई हैं। पहला जो खबर है वो ये है कि मैरी कॉम को अपॉइंट कर दिया गया है ब्रांड एम्बेसडर ऑफ BSNL दो सालों के लिए। चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम कि यहाँ पर दो बातें आई हैं, एक तो मैरी कॉम और दूसरा BSNL। इनके बारे में हम थोड़ी इन्फॉर्मेशन जीके ले लेते हैं कि BSNL क्या है। BSNL की फुल फॉर्म जो है वो भारत संचार निगम लिमिटेड है। ये एक टेली कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सर्विसेज प्रोवाइड करता है टेली कम्युनिकेशन में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। ये इनकॉर्पोरेट जो हुआ था वो 15 सितंबर 2000 को इनकॉर्पोरेट हुआ था। इसके जो फिलहाल के CEO और MD हैं वो अनुपम श्रीवास्तव हैं। अब बात कर लेते हैं मैरीकॉम की कि मैरीकॉम कौन है। मैरीकॉम एक इंडियन बॉक्सर है। उनकी अचीवमेंट्स हैं कि वो 5 बार वर्ल्ड अमेचर बॉक्सिंग चैंपियनशिप रह चुकी हैं। 2012 समर ओलंपिक्स में वो एक लौती महिला थी जो कि भारत की तरफ से जिन्होंने क्वालिफाई किया था उस ओलंपिक्स के लिए। 2018 में जो हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम ऑस्ट्रेलिया में खेले गए हैं वो वहाँ पर गोल्ड मेडल उन्होंने वहाँ पर जीता है और ऐसा करने वाली वो पहली भारतीय बॉक्सर बनी है। अब दोस्तों आगे देख लेते हैं। डॉक्टर पूनम सिंह जो हैं वो अपॉइंट हुई है रीजनल डायरेक्टर ऑफ WHO, यानी कि WHO की रीजनल डायरेक्टर वो अपॉइंट हुई है WHO साउथ ईस्ट एशिया की 5 सालों के लिए। और ऐसा इस पद पर अपॉइंट होने वाली वो पहली महिला बनी है। वो अपना जो इस चार्ज है वो लेंगी 1 फरवरी 2019 से, यानी कि इस पोस्ट पर वो 1 फरवरी 2019 से अपना चार्ज ले लेंगी। वो भारत के लिए IAS ऑफिसर रह चुकी हैं और 2 सालों तक अपनी सर्विसेज दे चुकी हैं। रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं इस खबर से। WHO जो है वो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी फुल फॉर्म वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं हम विजिट्स, यानी कि कौन कौन सी विजिट्स हुई हैं। तो भारत के जो राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद है वो 3 देशों की यात्रा पर हैं, जिसमें 3 देश वो कौन कौन से एग्जाम में पूछ सकता है। तो वो 3 देश हैं साइप्रस, बुल्गारिया, सेज रिपब्लिक। ये 3 देश हैं। वो बुल्गारिया और भारत के बीच में कुछ अहम समझौते हुए हैं, उसमें से मुख्य हैं डिफेंस को लेकर, टूरिज्म और साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेकर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चल लेते हैं हम। बुल्गारिया की यहाँ पे बात हुई थी तो हम देख लेते हैं बुल्गारिया के बारे में इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। रिपब्लिक ऑफ बुल्गारिया इसका पूरा नाम है जो कि साउथर्न यूरोप का एक पार्ट है। इसकी करेंसी बुल्गारियन लेव है। कैपिटल इसकी जो है वो सोफिया है। प्रेसिडेंट इसके रोमन रादेव इसके प्रेसिडेंट हैं। बोक्यो बोरिसोव इसके प्राइम मिनिस्टर हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है कि ये किन किन देशों के साथ, ऐसे बहुत बार क्वेश्चन आए हैं कि अभी हाल ही में SSC में क्वेश्चन आया था कि कोई भी देश किन किन देशों के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है या कितने देशों के साथ, नंबर ऑफ कितने देशों के साथ वो शेयर करता है। तो बुल्गारिया जो है वो न्यूज़ में है, तो उसके बारे में जान लेते हैं वो कौन कौन से देशों के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। तो उसमें है सर्बिया, रोमानिया, मैसेडोनिया, ग्रीस, टर्की और पूर्व से वो ब्लैक सी को भी टच करता है। चलिए आगे देख लेते हैं कि मीटिंग कौन कौन सी हुई है। भारत और US के बीच में 2+2 वार्ता हुई है नई दिल्ली में। ये पहली मीटिंग है 2+2 वार्ता की, ये पहली मीटिंग है। एग्रीमेंट इसके दौरान हुए हैं COMCASA, जो कि भारतीय वर्जन है CISMOA का। इनकी फुल फॉर्म जो है, ये जो दो टर्म्स आप लोग देख रहे हैं इसकी फुल फॉर्म वो आपसे पूछ सकता है एग्जाम्स में, तो इसकी फुल फॉर्म ज़रूर आप देख लीजिएगा। कम्युनिकेशन COMCASA की फुल फॉर्म है कम्युनिकेशन कंपेटेबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट, और CISMOA की फुल फॉर्म है कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन ऑन सिक्योरिटी मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। चलिए आगे देख लेते हैं कि कौन कौन से समझौते हुए हैं, किस किस मुख्य मुख्य तत्व कौन कौन से हैं। वो
तो वो हैं डिफेंस, सिक्योरिटीज और टेक्नोलॉजीज, जो कि टेक्नोलॉजीज लाई जाएंगी यूएस से इंडिया में, जिससे कि और भी भारत की जो सिक्योरिटीज़ हैं और टेक्नोलॉजी है और जो डिफेंस है वो बहुत बेहतर बनेगा। तो ये क्वेश्चन आपके लिए जनरली पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम में। चलिए, पर्सन कौन कौन से शामिल थे इस मीटिंग में। तो पहले जो हैं वो सुषमा स्वराज हैं, जो कि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं भारत की। निर्मल सीतारमन जो हैं डिफेंस मिनिस्टर हैं भारत के, ये वहाँ पर शामिल थे। और बाहर से यूएस से जो दो लोग आए थे उनके नाम हैं माइकल आर पोम्पियो, जेम्स मैटिस। माइकल जो हैं वो यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं और जेम्स जो हैं वो डिफेंस सेक्रेटरी हैं। तो आप इन दोनों नामों को ध्यान रखिएगा और ये भी ध्यान रखिएगा कि इनकी पोजीशन क्या है, क्योंकि एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। बात यहाँ पर हुई है यूएस की, क्योंकि वो यूएस से आए हैं तो यूएसए के बारे में जान लेते हैं हम। इसकी कैपिटल वॉशिंगटन डीसी है और इसकी करेंसी डॉलर है। इसके अंदर जो टोटल स्टेट्स हैं 50 हैं, 50 स्टेट से मिलकर, पूरे यूएसए 50 राज्यों से मिलकर बना है। चलिए अगली खबर ले लेते हैं हम, जो कि है प्रधानमंत्री जनधन योजना से, जो कि 2014 में आई थी। इसके बारे में कुछ चेंजेस किए गए हैं, यानी कि इस योजना को और बेहतर बनाने के लिए कुछ चेंजेस किए गए हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। तो चेंजेस क्या हैं, पहला जो आपका 1 लाख का इंश्योरेंस हुआ करता था, अब वो 2 लाख का कर दिया गया है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज जो 5,000 रुपये की थी, अब उसको बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दिया गया है। इसके अंदर जो एज लिमिट हुआ करती थी वो 18 से 60 साल हुआ करती थी पहले, अब वो बढ़ाकर 18 से 65 साल करती गई है। तो आप इन क्वेश्चंस को बहुत जरूर माइंड में रख के जाइए। चलिए आगे देख लेते हैं। ट्विटर इंडिया से खबर है कि ट्विटर इंडिया के जो डायरेक्टर हैं उन्होंने अपना पद त्याग दिया है। कौन थे वो डायरेक्टर, ये सीधा क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो वो तरनजीत सिंह थे जिन्होंने अपना पद फिलहाल के लिए त्याग दिया है। आगे खबर है कि तेलंगाना की असेंबली को डिसॉल्व कर दिया है वहां के सीएम ने, यानी कि तेलंगाना के सीएम के बारे में पूछा जा सकता है, वो के चंद्रशेखर राव हैं। उन्होंने हाल ही में अपनी असेंबली को डिसॉल्व कर दिया है। 2019 में इसके जो तेलंगाना के इलेक्शन थे वो लोकसभा चुनाव के साथ होने थे, बट ऐसी चांसेस हैं, ऐसे संभावनाएं लगाई जा रही हैं कि उसके इलेक्शंस पहले होने की संभावनाएं बन रही हैं, ऐसा है। के चंद्रशेखर राव जी के बारे में पूछा जा सकता है कि वो कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो वो तेलंगाना राष्ट्रीय समिति से बिलोंग करते हैं, ये आप ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। आगे जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि जापान से 18 बुलेट ट्रेन्स इंडिया में लाई जाएंगी। अब वो जो बुलेट ट्रेन है उनका खर्चा कितना आएगा, टोटल 7,000 करोड़ रुपये का उसके लिए बजट रखा गया है कि 7,000 करोड़ रुपये में वो टोटल खर्चा आएगा उनको यहाँ पर लाने में। स्पीड ऑफ ट्रेन, यानी कि जो स्पीड रहेगी उसकी ट्रेन की, वो 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार रहेगी, यानी कि वो इतनी रफ्तार से दौड़ सकती है। जैसे कि आप जानते हैं कि 2022 तक ये पूरा टारगेट रखा गया है कि 2022 तक इंडिया में भी बुलेट ट्रेन्स का जो आवागमन है वो जारी कर दिया जाए, इंडिया में भी बुलेट ट्रेन्स चलें। इसके लिए अथॉरिटीज़ जो हैं वो तेज़ी से काम कर रही हैं। ये जो ट्रेन्स रहेंगी इसके अंदर 10 कोचेज़ रहेंगे। इसको लॉन्च कर दिया जाएगा 2022 तक, प्रयास किए जा रहे हैं कि 2022 तक इसको कर दिया जाए। एक अथॉरिटी है जो कि बुलेट ट्रेन्स को और हाई स्पीड ट्रेन्स को मैनेज करती है, यानी कि जो पूरा इसका रखरखाव और देखरेख जिनके कंट्रोल में है, वो अथॉरिटी है NHSRCL, यानी कि फुल फॉर्म इसकी आ सकती है आपके एग्जाम में, नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो आपसे पूछा जा सकता है, तो आप इसको बिल्कुल दिमाग में लेकर चलिएगा। चलिए जापान की बात हुई है तो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जापान की ले लेते हैं। जापान की कैपिटल है टोक्यो और इसकी करेंसी है येन। तो दोस्तों ये तो था हमारा आज का करंट अफेयर। आप इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि डेली बहुत इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आने वाली है। और भी तरीके की हम इन्फॉर्मेशन डालते रहेंगे, नॉट ओनली जीके लेकिन और दूसरे टॉपिक्स पर, यानी कि जो स्टैटिक और नॉन स्टैटिक जीके होती है उन पे भी हम वीडियोस निरंतर आपके लिए डालते रहेंगे। तो इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारी वेबसाइट पर भी जाकर आप www.examhelplogger.com पर भी जाकर आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, कौन कौन सी गवर्नमेंट जॉब्स न्यू निकली हैं उसके बारे में आप जान सकते हैं, ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं, फ्री हैं वो बिल्कुल, और क्विज में भी भाग ले सकते हैं। धन्यवाद फ्रेंड्स। हमारी वीडियो बनाने का एक खास मकसद है, हम उन बच्चों तक पहुंचना चाहते हैं जो ऐसी जगह पर रहते हैं जहां पर कोचिंग सेंटर, ट्यूशन सेंटर या फिर कॉलेजेस नहीं है, जिनके पेरेंट्स हैवी फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, उन्हें कोचिंग सेंटर्स में नहीं भेज सकते। फ्रेंड्स आप भी हमारी इस मुहिम में सहायता कर सकते हैं।
इन वीडियोस को शेयर करके। फ्रेंड्स याद रहे, आपका एक शेयर किसी बच्चे की जिंदगी बदल सकता है, तो इन वीडियोस को व्हाट्सएप और फेसबुक के जरिए ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। फ्रेंड्स अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली सारी जरूरी वीडियोस आप तक ऐसे ही पहुंचती रहे। फ्रेंड्स अगर आप किसी खास तरीके की इन्फॉर्मेशन हमसे चाहते हैं या अगर आप कोई सजेशन हमें देना चाहते हैं या अगर आप चाहते हैं कि किसी खास टॉपिक पर हम वीडियोस बनाएं तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बता सकते हैं। फ्रेंड्स अगर आप किसी टॉपिक से रिलेटेड नोट्स चाहते हैं, प्रीवियस पेपर चाहते हैं, टेन्योर चाहते हैं या फिर अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए तो आप हमारे फेसबुक पेज पर जाकर या फिर हमारी वेबसाइट पर जाकर सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। सारी जानकारी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, सारे लिंक्स की जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां से जाकर आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।